नमस्कार, मैं हूं गणेश ठाकुर, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की। करीब एक महीने होने आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद छह मंत्रियों ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मिलाकर उन्होंने शपथ ली। लेकिन अब भी महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। हर बार तारीख पे तारीख मिली जा रही है, लेकिन हर दिन तारीख के समय एक नई तारीख दी जाती है, क्योंकि तीनों पार्टियों के बीच आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। सिर्फ आपस में ही नहीं, तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हर पार्टी में दिग्गज नेता और युवा नेताओं के बीच मंत्री पद के लिए एक तरह से संघर्ष चल रहा है। इन तीनों पार्टियों में संघर्ष किस प्रकार का है, आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे। उद्धव ठाकरे समेत छह मंत्रियों ने 28 नवंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कहां होगा। पहले यह खबर आई कि नागपुर में होने वाले विंटर सेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन तभी एनसीपी और कांग्रेस के खेमे में मंत्रियों के नामों की सूची तय नहीं हो पाई। इसलिए ये कहा गया कि अब विंटर सेशन के बाद में महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खुद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 21 दिसंबर को नागपुर में अधिवेशन के दौरान ये कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नागपुर में ही 24 दिसंबर की तारीख दी गई, लेकिन 23 दिसंबर की रात तक कांग्रेस की तरफ से मंत्रियों के नामों की सूची नहीं आ पाई। अब कांग्रेस की तरफ से देरी क्यों हुई, तो उसका कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और युवा नेताओं के बीच एक तरह से मंत्री पद के लिए संघर्ष चल रहा है। अब कांग्रेस में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दोनों को मंत्री पद मिलना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया, लेकिन पृथ्वीराज उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अशोक चव्हाण को कहा जा रहा है कि एनर्जी दी जा रही है। जब अशोक चव्हाण को मंत्री पद मिल रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान भी मंत्री पद के लिए आगे आ गए। पृथ्वीराज चव्हाण का यह कहना है कि उन्हें भी मंत्री पद दिया जाए और बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि नेताओं की एक बड़ी सूची उनके पास आई है जो मंत्री बनना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं क्षेत्र का एक तरह से राजनीति हमेशा होती आ रही है। अब अगर विदर्भ की बात करें, तो विदर्भ में से 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक है महाराष्ट्र के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के विजय वड्डेट्टीवार, और दूसरे हैं सुनील केदारे। यशोमती ठाकुर का भी नाम आ रहा है, अमित देशमुख का भी नाम इसमें आ रहा है। तो ऐसे में चारों में से 2 नाम आगे आएंगे, जिसमें यशोमती ठाकुर और अमित देशमुख के नाम पर लगभग मोहर लग गई थी। लेकिन विजय वड्डेट्टीवार, सुनील केदारे भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी लॉबिंग जोर से शुरू की। फिर अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, तो पश्चिम महाराष्ट्र में सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम के नाम सामने आए। दोनों के बीच में भी रेस शुरू हुई। अब दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर हैं, उनको भी अलग रखना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन दोनों में से एक नाम पर भी रजामंदी नहीं बन पाई। इसके अलावा मुंबई में अमीन पटेल और असलम शेख, जो 3-3 बार विधायक चुन के आए हैं, वो भी रेस में हैं। इन दोनों में से एक नाम चुनना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसी एक बड़ी सूची थी, जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान या प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व ये तय नहीं कर पाया कि किसे मंत्री पद मिलना चाहिए, किसे मंत्रालय दिए जाने चाहिए। इसीलिए थोड़ी सी देरी हुई। 12 नाम तय भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद एनसीपी की तरफ से मुश्किलें खड़ी हो गई। एनसीपी की मुश्किलें क्या है, वो आगे बताते हैं। अब एनसीपी में सब कुछ शरद पवार तय कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि मंत्रिमंडल की सूची आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शरद पवार के बाद पार्टी में सबसे ताकतवर नेता है अजीत पवार। अजीत पवार को क्या मिलेगा, इसको लेकर एनसीपी में अब भी असमंजस की स्थिति है। अजीत पवार क्या चाहते हैं और क्या उन्हें दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि शरद पवार ये चाहते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, कि अजीत पवार को गृह मंत्री बनाना शरद पवार पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करें, उप मुख्यमंत्री पद लेकर किसी एक पोर्टफोलियो को लेकर वो आगे चलें। लेकिन अजीत पवार के खेमे से ये खबर आ रही कि अजीत पवार गृह मंत्री बनना चाहते हैं,
और इसी वजह से एनसीपी की सूची आने में भी देरी हो रही है। अब सवाल ये उठने लगा है कि गृह मंत्री कौन होगा। एनसीपी को इस अलायंस में गृह मंत्रालय दिया गया ऐसी जानकारी है, तो ऐसे में अजीत पवार या जयंत पाटिल जो राज्य के प्रभारी हैं उनको ये मंत्री पद मिलता है क्या, और उसके लिए शरद पवार क्या भूमिका लेते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अब तक ये तय नहीं हो पाया है। वहीं अजीत पवार के खेमे से ये भी खबर आ रही है कि खुद अजीत पवार इस मंत्रालय को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अजीत पवार भी एक तरह से उनका पूरा जो गुट है वो लॉबिंग कर रहा है तगड़े पोर्टफोलियो के लिए जो गृह मंत्रालय है जो शिवसेना ने एनसीपी को दे दिया है। अब इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार और एनसीपी के कुछ नेता शिवसेना के कोटे में गए अर्बन डेवलपमेंट को भी चाहते हैं, लेकिन शिवसेना अर्बन डेवलपमेंट छोड़ना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना के बीच का संघर्ष भी समझ आ रहा है। इसी वजह से बीती रात शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक हुई और कहा जा रहा है कि बैठक में गृह मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, नगर विकास, इन दोनों मंत्रालयों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। वहीं उद्धव ठाकरे ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये एक मंत्रालय जब गृह मंत्रालय दिया गया एनसीपी को तो एक दूसरा बड़ा मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहते हैं एकनाथ शिंदे के लिए। तो इस पर भी अब तक कोई नतीजा या कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी वजह से एनसीपी और शिवसेना के बीच जो एक तरह से तालमेल नहीं बैठ रहा है वो, और अजीत पवार को मिलने वाले गृह मंत्रालय को लेकर जो खींचतान चल रही है उसकी वजह से भी महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल को लेकर या जो विस्तार होने वाला है उसको लेकर देरी हो रही है। वहीं इन तीनों पार्टी के सूत्र एक अलग जानकारी, एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार में होने वाली देरी को लेकर। जहां एक तरफ कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा ये तय नहीं हो पाया ये कहा जा रहा है, तो वहीं कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो किनको मिलने वाला है लगभग तय हो गया है, लेकिन 24 तारीख को ये तय नहीं हो पाया इसीलिए एक दिन आगे जाना पड़ा, और 25-26 को अमावस्या होने की वजह से इन दो दिनों में कोई अच्छा कार्य ये सरकार नहीं करना चाहती है, इसीलिए 25-26 की बजाय 27-28 को करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 28 तारीख को मुंबई में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन या एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 27-28 को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें उस कार्यक्रम की तैयारी में लगना है, एक बड़ा कार्यक्रम हमें महाराष्ट्र में मुंबई में करना है। तो ऐसी स्थिति में फिर 27-28 नहीं, 25-26 नहीं, तो 29-30, तो 30 तारीख का मुहूर्त निकाला गया है। 1 बजे दोपहर को राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे, कुल 13 मंत्रालय जो हैं वो शिवसेना और एनसीपी दोनों को मिले हैं, 13-13 यानी 10 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद शिवसेना को, 10 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद एनसीपी को, और 12 यानी 10 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद कांग्रेस को दिए गए हैं। ऐसे ये सारे मंत्री शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा 30 तारीख को, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर 30 तारीख को नहीं होगा तो क्या एक और तारीख मिलेगी, और 30 तारीख को नहीं होने की पीछे की वजह क्या होगी ये अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं ठाकरे सरकार पे कि 1 महीना होने आया है और उद्धव ठाकरे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए, तो राज्य की जनता के भलाई का निर्णय वो क्या लेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।